ओके सो गाइस दिस इज प्रोशन एंड आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पबजी मोबाइल के बारे में क्योंकि हम लोग खुद को स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट बोलते हैं लेकिन बात ही आती है कि हमें पबजी के बारे में सबसे ज्यादा जानना और किसी गेम को हमको देखना नहीं है खैर अभी ये कल की ही बात थी जिसके बारे में बात करने के लोग मेरे को कल बोल पे रहे थे बट कल मैं ट्रैवल कर रहा था प्लस आज भी थोड़ा सा काम था उसके बाद मैंने स्ट्रीम करी एंड स्ट्रीम के बाद मैं सोचा था कि ये वीडियो अपलोड करूंगा करूँगा सो ये वीडियो रहने वाली है एक्सप्लेनिंग की यह सब चीज़ क्या थी जो एन का मीटिंग आया था जो वर्चुअल मीटिंग हुआ था एंड उसके अंदर तो क्या कंक्लूजन निकला या क्या चीज़ें उसके बारे में हम लोग बात करेंगे तो शुरू करने से पहले कैसे अगर आप लोग न्यूज चैनल पर लाइक कर सकते हो शेयर करना अपने तो सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को मेरा इंस्टाग्राम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सारे के सारे सोशल्स के लिंक अगर आप लोग वहां आना चाहते हो Uh, जरूर फॉलो करना एंड दिस इज़ वट यू नो वी गॉट टू नो फ्रॉम चम्बा डॉट जी जी तो uh, इनके बारे में भी आप लोगों को ऑब्वियसली आप लोगों को पता ही है सो तो आप लोग तो लो इनको भी फॉलो कर सकते हो तो सो या दिस इज़ वॉट इट इज़ एंड आर टी आई वॉज फाइल्ड बाय अनवेश पेलोरी सीकिंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द मीटिंग हेल्ड एंड कमेंट्स मेड बाय एन सी पी सी आर जो नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट्स रहता है सो so, उसके लिए नाउ पब्लिक अथॉरिटी एन सी पी सी आर को uh, कर कर करके आर टी आई करी गई थी And on 11 December, in a meeting called to discuss the proposal of unbanning PUBG mobile application, the NCBCI chairperson, Priyank uh, Kanungo, commented that it was an internal meeting एंड प्राइम ऑफ एसी मतलब वही था कि प्राइम ऑफ एसी होता है कि लाइक जो इंटरनल मीटिंग थी कि आपस में ही बात रखी जाएगी उसी के अंदर रखा है दैट इज वॉट इट वॉज द एन सी पी सी आर इज नॉट इन फेवर ऑफ रिकमेंडिंग सच गेम्स इन द कंट्री आपको याद होगा पहले भी एन सी पी सी आर का नाम आया था आपको याद होगा पहले भी एन सी पी सी आर के बारे में बोला गया था कि एन सी पी सी आर बोलता है कि काफ़ी वायलेंट है ये गेम उस हिसाब से अगर गेम में चेंजेस किए जाते हैं तो शायद हम इस गेम को इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे रखना चाहेंगे तो ये वो दो तीन चीज़ों को मिला करके उनका मिक्सचर बनता है

टू ऑब्वियसली सवाल पूछा था पंद्रह तारीख को उनको जवाब मिलता है डेटेड सत्रह बारह बीस बीस एंड टू से वर्चुअल मीटिंग वॉज हेल्ड ऑन चार बारह चार दिसंबर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड नो फॉर्मल मिनट ड्राफ्टेड मतलब उस टाइम पर कोई रिजल्ट नहीं दिया गया अभी तो अभी तक पबजी बैन है ऑल to examine द issue फर्दर मतलब कभी आगे की शायद डेट दी गई है इस मीटिंग को कंटिन्यू करने की जैसे आपको बताओ कोर्ट में हेयरिंग होती है कोर्ट की हेयरिंग को किसी और डेट को भी हेयर किया जाता है वगैरह सो so, इस मीटिंग को किया गया था उस दिन बट कोई कंक्लूजन नहीं आया मतलब आगे फिर से या तो मीटिंग हो रही होगी या फिर होने वाली होगी या फिर कभी आगे जाकर के होगी वो इनका इंटरनली इनको पता रहेगा अर्लियर इन द मीटिंग कॉल टू डिस्कस द प्रपोजल ऑफ री लॉन्च आपको याद होगा भाई एनसीपीसीआर पहले फेवर में नहीं था ये बोलते कि काफी वायलेंट है ये है वो है तो वो फेवर में नहीं था चेयरपर्सन yeah. ने बोला इट वॉज एन इंटरनल मीटिंग एंड जो उन्होंने बोला था एंड एनसीपीसीडिंग सच गेम्स इन कंट्री दैट्स वर्चुअल मीटिंग कराई गई थी चार दिसंबर को सो येस चार दिसंबर की मीटिंग की बात तो पूरी पक्की हो जाती है लेकिन इससे बात ये निकल करके आती कि गेम कब आएगी देखिए इंटरनली इनकी जो बातें चल रही है वो तो इनकी बातें बातें चल रही हैं हमें जहां तक पता है वो यही चीज जो मैंने आपको पहले ही बताया था इफ अ बिग अनाउंसमेंट हैजू अराइव प्रोबेबली फेबररी में हो सकती है बिकॉज अगर और अगर फेबर अगर अगर फेबर में अनाउंसमेंट होती है दैट मीन्स कि मार्च में हमें कहीं ना कहीं शायद कुछ देखने को मिल सकता है गिवन गिवन और टेकन द फैक्ट अगर फेबर में कोई अनाउंसमेंट होती है तो तो ही हमें मार्च में कुछ देखने को मिलेगा अदर एन दैट तो यही आता है कि अभी तो जितने भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हैं वो टेंसेंट के अंडर आते हैं तो इंडिया के टूर्नामेंट्स उसके अंदर नहीं जा सकते है. तो अगर इंडिया का अपना एक रोड मैप बनेगा टूर्नामेंट्स को लेकर के वो uh, इंडियन टूर्नामेंट्स के हिसाब से बनेगा एंड देन जैसे चाइना को पीएमजीसी में बुलाता था वैसी इंडियन टीम्स को शायद अगले साल या पीएमजीसी में बुलाया जा सकता है अगले साल मतलब जो अब इस साल के एंड में होगा ऐसा कुछ होगा तो उसके अंदर बुलाया जा सकता है बिकॉज नाउ दे आर ऑल्सो थिंकिंग इवन पबजी नोस की उनके व्यूज और उनके नंबर्स डाउन हो रहे हैं बाकी कंट्रीज के भी बिकॉज इंडिया का जो इंपैक्ट पड़ा है क्योंकि कॉम्पिटिशन इंडिया से भी काफी बड़ा निकल करके आता था, था। वेलैव टू सी व्हाट द थिंक अबाउट दिस वन वेल टू सी हाउ द थिंक अबाउट दिस वन एंड एर्जियंट हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या उनकी तरफ से सोच होती है इस सब चीजों को लेकर के आपका क्या कहना आप लोग मेरे को बता सकते हो इन सब चीजों के बारे में एंड ऑब्वियसली आप लोग मेरे को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर uh, ये रहा मेरा इंस्टाग्राम का यूजर नहीं आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं एंड uh, मेरे सोशल्स आपको बाकी सब कुछ मिल जाएगा सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को सेवन हंड्रेड के सब्सक्राइबर्स कम लूँगा गोल रहेगा होप कि आप लोग करवा दोगे मैं मिलूंगा आप लोगों से एग्लिवीट में तक के लिए स्टे सेफ स्टे इंडो स्टे ऑसम एंड बने रो स्पोर्ट्स प्लेयर और I don't know. Take care.